हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं बालाजी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन को कैसे पहचाने और ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे करें और ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड कैसे लेना चाहे। तो सिंपल से मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ, एक मिनट का टाइम फ्रेम है और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को आज मैं सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ एक चैनल में मार्केट था तो नीचे से काफी बार यहाँ दिख रहा होगा आपको, यहाँ बॉइंग आई थी तो ये सपोर्ट लेवल था। तो यहाँ बाकी काफी बार फेक ब्रेकआउट दिया था, यहाँ तो सपोर्ट था तो यहाँ ब्रेकआउट दिया, यहाँ भी फेक ब्रेकआउट दिया तो ये सस्टेन नहीं हो पाया। तो अपसाइड के लिए हमारा अपना मोमेंटम अपसाइड के लिए, यानी हायर हाई का फॉर्मेशन चल रहा है और ट्रेंड अप ट्रेंड है। तो हमें ज्यादातर अप ट्रेंड में हमें अपसाइड का ब्रेकआउट देखना है, यानी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को नहीं देखना है। तो पहले हमें ट्रेड समझना है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेते समय ट्रेंड समझना है। तो हमें ट्रेड समझ में आ गया है। तो यहाँ फेक ब्रेकआउट एक मैं दिखाया हूँ, फेक ब्रेकआउट होने का रीजन बताने वाला हूँ इस ट्रेड में। अगर कोई भी लोग यहाँ अगर ये लेवल अगर मार्क करते थे तो यहाँ एक ब्रेकआउट दिखा रहा था, ये काफी अच्छी कैंडल ब्रेकआउट दी। इसमें कंफर्मेशन ये था कि ये बिग बार आई थी, अच्छी कैंडल आई थी, इसीलिए ट्रेड लोगों ने पंच किया है, इसीलिए छोटा सा रखा होगा लोगों ने और टारगेट 1:2 का देखने लगे होंगे। यहाँ फेक ब्रेकआउट होने का रीजन एक सिंपल सा है, यहाँ एक कैंडलस्टिक सही आई है लेकिन यहाँ कैंडलस्टिक ओनली एक ही कंफर्मेशन है, मल्टीपल कंफर्मेशन रहने चाहिए फेक ब्रेक अपने ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे, तभी ट्रेड अपना वैलिड होता है और अच्छा मोमेंटम आता है। तो आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ फेक ब्रेकआउट होने का रीजन, वो देख लो। तो फेक ब्रेकआउट होने का रीजन नहीं है कि सिंपल एक ही कैंडल है, नीचे ईएमए का सपोर्ट कोई नहीं ले पाया। तो मैं रियल ब्रेकआउट में भी दिखा दूंगा, यहाँ फेक ब्रेकआउट हो आया है। रीजन यही है कि यहाँ जो एंट्री लिए थे लोग वो डायरेक्टली एंट्री लिए थे, कंफर्मेशन ज्यादा नहीं था इस ट्रेड में, इसीलिए ये ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मैं एक दूसरा ट्रेड आपको दिखाता हूँ, उसमें ट्रेड अपना ब्रेकआउट सही हुआ था। तो एक ट्रेड दिखाता हूँ आपको, दिया है तो यहाँ एक ट्रेड बना है। तो यहाँ काफी बार यहाँ बाइंग आई थी, यानी यहाँ से सेलिंग आई थी, यानी ये रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल था। तो आपको दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रांग है, एक अपने को सिस्टम मिल गया कि रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रांग है। काफी बार यहाँ टच करके रिवर्स हो गया था मार्केट, तो यहाँ एक ब्रेकआउट आया था। तो रीजन यहाँ अगर कोई लोग अगर बाइंग करते थे तो यहाँ से टारगेट मिला है, अच्छा 1:2 का मिला है, यानी 200 पॉइंट लगभग मिले हैं। तो 200 पॉइंट का टारगेट हमारा हिट हो गया, ये लेवल तो हाँ आगे का ही है तो छोड़ ही दिएंगे। तो इसी ट्रेड में हमारा 200 पॉइंट का टारगेट हिट हुआ। रीजन क्या था बताता हूँ मैं, जो कोई लोग यहाँ एंट्री लेंगे तो वो इनको लगता है इसमें लॉजिक कुछ भी नहीं है, इस ट्रेड में जो लॉजिक नहीं कुछ भी नहीं था इसी ट्रेड में कुछ भी नहीं ऐसा लगा होगा आपको, लेकिन इसमें लॉजिक बहुत ज्यादा है। तो आपको देख सकता हूँ, दिखा सकता हूँ मैं। तो यहाँ एक फेक ब्रेकआउट नहीं है, रियल ब्रेकआउट होने का रीजन क्या है बताता हूँ। तो रियल ब्रेकआउट होने का एक बिग बार कैंडल है, उसमें भी थी, पहले फेक ब्रेकआउट हुआ था उसमें भी रियल अपना बिग बार बना था, इसमें बिग बार बना है लेकिन उसमें ईएमए पे बिग बार नहीं बना था। तो आपको दिखाता हूँ मैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ ईएमए पे ब्रेकआउट नहीं बिग बार नहीं बनाता, एक रीजन हो गया। तो उसमें दिखाता हूँ मैं, तो बार बार टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ढूंढा मुझे अच्छे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आपको समझाने जैसे नहीं मिल रहे, इसीलिए यहाँ टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ रहा है बार बार। तो यहाँ एक बिग बार बनी है लेकिन ईएमए को टच करके बनी है, तो दो कन्फर्मेशन हमें मिल गए हैं। तो ईएमए के टच करके बिग बार बनी है और ये लेवल को काफी बार से अपना टाइम रिजेक्शन ले रहा था लेकिन यहाँ ब्रेकआउट करके हाई ब्रेक कर दिया, इस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया तो हमारी एंट्री वैलिड हो जाती है। तो यहाँ दो रीजन मिल गए कि बिग बार बना है, ब्रेकआउट हुआ है, दूसरा रीजन है यहाँ ईएमए पे टच करके बिग बार बना है, दो रीजन हो गए। और तीसरा रीजन ये ढूंढना है कि प्रीमियम में अगर हमारा यहाँ एक बिग बार बना है तो प्रीमियम में ऐसी वीक कैंडल नहीं होनी चाहिए, जैसी आपको दिखाता हूँ। एक कैंडलस्टिक दिख रही होगी आपको,
तो ये आपको मैं मार्क करके दिखाता हूँ, ये क्या डेंसिटी, तो ये उल्टा करके देख लो आप, ऐसा उल्टा अगर ऐसा बनी है इस जगह तो ये एंट्री अवॉइड कर देना है। तो मैं यहाँ इसके प्रीमियम चार्ट को देखा था, तो ये बहुत दिनों का है, तो ये प्रीमियम चार्ट में देखा था, तो वहाँ ऐसा कैंडल नहीं बनी थी, यानी स्ट्रांग कैंडलस्टिक बनी थी, जैसी आईसी स्ट्रांग बनी थी। तो आईसी स्ट्रांग थोड़ी बहुत चलेगी, लेकिन आईसी ज्यादा वीक अगर रहेगी यहाँ ऊपर से, आईसी यहाँ बनी है देखो आईसी, तो आईसी ज्यादा वीक है, ऐसी वैलेटाइल कैंडल, तो यहाँ ट्रेड एंट्री नहीं लेना है। आईसी उल्टी कैंडल बना लो, ये ग्रीन कैंडल बना के, तो आईसी अगर ऊपर से ज्यादा वीक दिखेगी, यहाँ इत्यादि बनी, तो यहाँ ट्रेड लेने का रीजन नहीं होता, क्योंकि यहाँ अगर इंडेक्स चार्ट में सब बराबर है लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, तो आपका ट्रेड लेने का कोई ही रियल लॉजिक नहीं है, तो आपका वो ट्रेड मैक्सिमम अपना लॉस ही में जाने वाला है, तो 99% तो लॉस में ही जाएगा, क्योंकि अपन पैसा लगाते ऑप्शन में, इस टाइम इंडेक्स के ऑप्शन में लगाते, ऑप्शन में इंडेक्स में नहीं लगाते है पैसा, तो ऑप्शन हमारा अपना मोमेंटम करेगा तभी हमें प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ इंडेक्स मोमेंटम करेगा तो ऑप्शन में हमें प्रॉफिट नहीं होगा, तो ऑप्शन करना चाहिए मोमेंटम, तो ऑप्शन में अगर कैंडल वीक बनेगी तो वो एंट्री लेने के लिए वैलिड कैंडलस्टिक नहीं है, तो कैंडलस्टिक बहुत मैटर करती है एंट्री और एग्जिट में, तो एंट्री लेने के लिए कैंडलस्टिक काफी अच्छी है इंडेक्स में, लेकिन यहाँ प्रीमियम में अगर ये कैंडलस्टिक ऐसी वीक बनाती थी, तो आपको एक दिखाता हूँ आईसी वीक, तो यहाँ ऊपर से ज्यादा वीक अगर रहेगी तो ये ट्रेड नहीं लेना है। तो ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट में इतना ही फर्क रहता है कि इंडेक्स चार्ट में अगर आपको रियल ब्रेकआउट अगर लग रहा है ऐसे कैंडलस्टिक, तो आप प्रीमियम चार्ट में जाके देखना है एट द मनी और इन द मनी वाले, तो एट द मनी एक दो स्ट्राइक प्राइस ऊपर और एक दो स्ट्राइक प्राइस नीचे, तो आपको एक मैं बॉक्स बना के दिखाता हूँ, तो आपको आपको समझ में आएगा, तो ऐसी कैसी कैंडल होनी चाहिए, तो मैं कट करते देता हूँ। ये क्या, ये हमारी कैंडलस्टिक है, ये कहा है क्या है कि कैंडलस्टिक बनी है, तो ये कैंडलस्टिक हमारी इंडेक्स चार्ट में बनी है, तो और एक कैंडलस्टिक बनाता हूँ, और एक कैंडलस्टिक बनी है हमारे प्रीमियम चार्ट में, तो ये एंट्री लेने के लिए वेल्थफुल है, यानी ये एंट्री ले सकती है इस ऐसे कैंडलस्टिक पर, अगर थोड़ी सी वीक होगी तो भी चलेगा, तो आपको मैं वीक बना के थोड़ा बहुत रियलिस्टिक नहीं दिख रहा है कैंडल, लेकिन समझ लेना, तो ऐसी वीक अगर थोड़ी बहुत बनेगी, अगर प्रीमियम चार्ट में और इंडेक्स चार्ट में दोनों भी तरफ ऐसी वीक बनेगी तो चलेगा, लेकिन आपको अगर ऐसा कुछ बनेगा, एक कैंडलस्टिक इंडेक्स में है ऐसी कैंडलस्टिक और प्रीमियम में ऐसी कैंडलस्टिक है, तो एंट्री अवॉइड कर देना है, और एंट्री अगर लेंगे तो इसका हाई ब्रेक होने का इंतजार करना है, तो अगर यहाँ कैंडलस्टिक सही बनी है तो प्रीमियम में भी हाई ब्रेक होना चाहिए और इंडेक्स में भी हाई ब्रेक होना चाहिए, तब भी एंट्री लेना है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे, तो आपको समझ में आया होगा कि कौन से कैंडलस्टिक पे ट्रेड में एंट्री और एग्जिट लेना है, तो ऐसी अगर कैंडल इंडेक्स में बनेगी और प्रीमियम में ऐसी कैंडल बनेगी तो एंट्री नहीं लेनी है, अगर दोनों तरफ भी सेम थोड़े बहुत सेम, यानी प्रीमियम में थोड़ी बहुत सही नहीं बनती, थोड़ा छोटा कैंडलस्टिक बनता है कभी कभार, तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रीमियम में अगर ज्यादा वीक वाली कैंडल बनेगी है, ऊपर से वीक आ रही है, अगर ऊपर से वीक आ रहा है ज्यादा प्रीमियम का, तो आप एंट्री नहीं ले सकते, अगर नीचे से ज्यादा वीक आ रहा है तो चलेगा एक आध बार, लेकिन ऊपर से ऐसा वीक आएगा नीचे से तो भी चलेगा, लेकिन ऊपर से अगर वीक आ रहा है प्रीमियम में तो एंट्री नहीं लेने, तो आपको समझ में आया होगा मेरा रीजन सिंपल सा, फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन अपने को फाइंड आउट करने का और उस पे ट्रेड लेने के लिए यही आप फॉलो कर सकते हैं, यानी दो तीन कंफर्मेशन होनी चाहिए और इंडेक्स और प्रीमियम के कैंडलस्टिक का मिसबिहेवियर नहीं होना चाहिए, सेम मोमेंटम देने चाहिए दोनों भी इंडेक्स और प्रीमियम, तभी आप एंट्री ले सकते हो ट्रेड में। तो मैं नए वीडियो बहुत ला रहा हूँ, और अपना 10,000 कैपिटल के ऊपर अगर आपको ट्रेड करना है तो लास्ट में आपको वीडियो पे इस डिस्प्ले पे स्क्रीन पे आ जाएगा, तो आप वो देख सकते हैं वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।